तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जोमेटो से अपने रेस्टोरेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जोमेटो से रेस्टोरेंट को ऐड करने के लिए आपको चाहिए 6 डॉक्यूमेंट। पहला है फूड लाइसेंस, दूसरा है GST, अगर आपके पास GST नहीं है तो भी हम यहाँ पर विदाउट GST के भी कर देंगे। और फूड लाइसेंस आपके पास नहीं है तो हम लोग यहाँ पर पहले फूड लाइसेंस अप्लाई करेंगे और इसके बाद आपका यहाँ पर जोमेटो स्विगी पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इसके बाद चाहिए आपका यहाँ पर मेनू कार्ड, तो अगर आपके पास मेनू कार्ड नहीं है तो हम लोग मेनू कार्ड ही बना देते हैं। और उसके बाद चाहिए आपका पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स और उसके बाद डिश का इमेज। और अगर आपके पास यहाँ पर इमेज वगैरह नहीं है स्टार्टिंग में फूड का तो उसके बिना भी यहाँ पे हो जाएगा। और उसके लिए आपको यहाँ पे करने का है, आपको यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, आप इस पर चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कॉल कभी रिसीव नहीं पता है किसी कारण से तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले फूड लाइसेंस अप्लाई करना होगा। और फूड लाइसेंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपका एक दिन में जोमेटो और स्विगी दोनों पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका यहाँ पर रेस्टोरेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जोमेटो पर जो कमीशन होता है वो यहाँ पर अभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। कहीं पे आपको फिक्स है कि 25% आपका यहाँ पे कमीशन लगेगा और 1-2% यहाँ पे मैकेनिज्म फीस जो होता है वो लगता है। और इसके बाद दूसरा है कि यहाँ पे आपको 14% कमीशन लगता है और ₹14 पर किलोमीटर आपको यहाँ पे देना होता है जोमेटो को। तो इसका कमीशन का जो चार्ज है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, जैसे कि दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में कुछ और है, और उसके बाद बिहार में, यूपी में, अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग कमीशन भी होता है। और वहाँ पर चार्ज भी इसका अलग अलग है। कहीं पर है कि ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होता है और कहीं पर होता है कि आपको यहाँ पे 999 यानी कि ₹1000 आपको देना होता है। तो स्टार्टिंग में आपको ₹1 भी नहीं देना होता है जोमेटो को, वह आपका जो अर्निंग होगा उसमें से वह ₹200 कर करके अपना वो कट कर देता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के टाइम पे ₹0 लगता है ऑनबोर्डिंग में। और आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको फूड लाइसेंस लेना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर जोमेटो और स्विगी पर ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। तो जोमेटो और स्विगी से ऑनबोर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पे 5 से 6 डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना होता है। और जब आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और हम लोग जब यहाँ पे रेस्टोरेंट का ऑनबोर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कमीशन वगैरह लगता है वह कमीशन हम लोग पहले ही ऐड करके एक न्यू मेनू कार्ड बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका प्राइस वगैरह है उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले कर लेते हैं तो वह बेस्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही न्यू मेन्यू कार्ड बनाते हैं और उसमें हमने जितना भी कमीशन वगैरह लगाया है जोमेटो का वह सब ऐड कर देते हैं। और अगर जैसे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ₹100 का ऑफलाइन में सेल हो रहा है तो उसको अगर आपको जोमेटो पे सेल करना है तो उसको आप यहाँ पे 125 या 130 रुपये में आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पर इतना रखना है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो अगर आपका ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा चलता है, तो आप यहाँ पर उसको 100 के जगह पर 200 भी रख के बेच सकते हैं, 250 भी रख के बेच सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग में कि आपको अपना जो ओरिजिनल रेट है उसमें आपको जोमेटो का कमीशन ऐड करके आपको रखना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो। तो अगर आपको यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए जोमेटो और स्विगी के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप।